जनपद संभल के चंदौसी में किसान आंदोलन पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का बयान, विपक्ष किसानों को हवा दे रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज प्रदेश के सभी जनपदों में किसान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन जनपद संभल के जिला मुख्यालय बहजोई पर भी किया गया था, जिसमें शामिल होने जा रहे सपा कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने रोक कर रेलवे के गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया। जब इस विषय में प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबा देवी से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो शरद पवार इस कानून के पक्ष में थे, लेकिन आज इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों को यह समझना चाहिए कि ये विपक्ष की कितनी बड़ी साजिश है। विपक्ष किसानों को हवा दे रहा है, जिसका समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था, लेकिन प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए उन्हें पे नजरबंदी कर दी है, तो क्या कहेंगे? देखो, मुझे ये कहना है कि आज जो किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं और विपक्ष इनके लिए सहयोग दे रहा है, विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि अभी मैं देख रही थी शरद पवार जी के बारे में कि जब कांग्रेस में उनकी सत्ता थी तो उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए लागू करने की बात कही थी और हर प्रदेश में अपने पत्र जारी किए थे कि ये किसानों के हित में यही ठीक होगा जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन चूंकि अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है माननीय मोदी जी ने, तो इनको सहन नहीं हो रहा। जो कुछ भी किसानों के जो कुछ भी किया जा रहा है वो किसानों के हित में किया जा रहा है। जब संसद में कोई भी विधेयक आया था उस समय जब कानून पास हुआ उस समय क्यों नहीं इन्होंने विरोध किया? आज जब सब कुछ हो गया तो किसानों के लिए यही लोग हवा दे रहे हैं। किसान समझ नहीं रहे हैं कि इनकी कितनी बड़ी साजिश है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार जो कुछ भी कदम उठाएगी वो सही होगा और उठाना भी चाहिए कि जिससे ये विरोधी आगे ना बढ़ सके।